पीआरबी गाड़ी गिरी। फरुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवारा गोवंश को बचाने के चक्कर में गाड़ी गिरी। पीआरबी में मौजूद पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। भरका तिराहे पर पुलिया के पास से गुजर रही थी पीआरबी। ग्रामीणों ने गाड़ी से चालक समेत तीन पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम पट्टी गड्ढे में पुलिस के डायल 112 पीआरबी गाड़ी गिरी। फरुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवारा गोवंश को बचाने के चक्कर में गाड़ी गिरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुंदरम हमसे जुड़ेंगे। सुंदरम, पुलिस की पीआरबी गाड़ी गड्ढे में गिरी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, बताना चाहूंगा कि पुलिस को एक सूचना के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, उसी को लेकर पीआरबी 112 गांव में जा रही थी। जैसे ही जो पीआरबी भरखा तिराहे पर पहुंचती है तो अन्ना जानवर सामने आ जाता है, जिससे पीआरबी अनियंत्रित होके जो खनती है उसमें वहां पर गिर जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं है। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को ट्रैक्टर से वहां पर निकाल लिया गया है और किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। धन्यवाद सुंदरम तमाम जानकारियों के लिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य का निधन हुआ, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडवोकेट अब्दुल रज्जाक खान का निधन। बार काउंसिल कोटे से सक्रिय सदस्य थे रज्जाक खान। हार्ट अटैक के चलते रज्जाक का निधन हुआ। एस बाग में जौहर बाद होगी नमाज़े जनाजा। दोपहर में होगी अब्दुल रज्जाक की तदफीन। रज्जाक के निधन से सुन्नी वक्फ बोर्ड में शोक की लहर। हर्ट्स फायरिंग में बाउंसर को गोली लगी है, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली लगने से बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह में गोली चलाई गई थी। समारोह की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे बाउंसर। घायल बाउंसर को डॉक्टरों ने बाउंसर को मृत घोषित किया। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, हर्ट्स फायरिंग में बाउंसर को गोली लगी थी, उसकी मौत हो गई थी, क्या कुछ अपडेट है? जी, आप बता देना, जो रॉयल गार्डन का मामला रेल थाने का, उसमें देखा जाए जो हर्ट्स फायरिंग में जो बाउंसर का विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर के उसमें जो बाउंसर थे उसमें वो प्राइवेट बाउंसर दिए गए थे, जो पार्टी भाजपा नेता थे जो गुप्ता जी, उनके यहाँ कार्यक्रम में देखा जाए तो पूरी तरीके से इसमें जो है जो बाउंसर को आपसी विवाद था, प्राइम रंजिश चली आ रही थी, जिसमें जो फायर किया गया वो अवैध हमले से फायर किया गया है, जिसमें अभी एक लोग की रामजी गुप्ता नाम के व्यक्ति की जिसमें जिसने गोली चलाई उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और देखा जाए सवाल ये भी उठता है, हर्ट्स फायरिंग को लेकर के जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे लोकल कोर्ट हो, उसमें सबने आदेश दे रखा है कि हर्ट्स फायरिंग पर रोक है। उसके बावजूद भी देखा है तो कानपुर में हर्ट्स फायरिंग से जो आज ये मौत हुई है, कल ही देखा है इसी आसार देखा था घाटमपुर में जो हर्ट्स फायरिंग हुई थी उसमें 6 लोग घायल हुए थे। ये एक बड़ी लापरवाही है और देखा था कमिश्नरेट लागू होने के बाद ये हर्ट्स फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, ये शर्मनाक है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।